Glacier Dwellings LLP Developers प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 864,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए, ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज पद्मशाली समाज के लोग मार्कंडेय जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के कामतगर भाग्यनगर फेनेगांव की, विशेष तौर पर समाज सेवक नितेश एंकर द्वारा आज मार्कंडेय जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें पद्मशाली समाज के लोग भारी मात्रा में उपस्थित थे। सभी लोग आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि भगवान मार्कंडेय जी के प्रतिमा पर फूल अर्पण वहाँ पर डालते हुए दिखाई दिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि नगर सेवक नीलेश चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे, समाज सेवक मयूरेश चौधरी, साथ ही साथ ठाकुरपाड़ा के जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं कपिल एंकर भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे नितेश एंकर, उन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर सभी पद्मशाली समाज के साथ साथ देशवासियों को मार्कंडेय जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दिए और एकता का संदेश दिया। क्या कहा ये सुनते हैं। आज तो अपने मार्कंडेय महा मुनि इनकी जयंती है। मेरे सभी पद्मशाली समाज के भाई बहन, हमारे वरिष्ठ समाज के लोग, उनको मेरी परिवार के तरफ से, मेरे धर्मराजा ग्रुप के तरफ से सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो मैं मेरी तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी को मार्कंडेय जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मार्कंडेय भगवान जो है ये भोले भंडारी के बहुत बड़े भक्त थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भोले भंडारी ये अपने शंकर भगवान है, इतने भोले हैं कि जो अगर दिल से अगर कोई कामना करे तो वो पूरी करते हैं। और हम सबकी एक इच्छा है कि जो 4 साल जो इस वार्ड ने सहा है कि हर चीज़ से ये वंचित वार्ड है, इसको अच्छे दिन आने वाले हैं जल्दी, ये कामना करके हम मार्कंडेय जयंती की आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। पहले तो मैं सभी मार्कंडेय जयंती के ऊपर सभी भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मेरे भाई नितेश एंकर और मयूर चौधरी, कपिल एंकर और सभी उनके टीम ने जो उन्होंने यहाँ पे मार्कंडेय जयंती मनाई, इसके पावन अवसर के ऊपर मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और मार्कंडेय जयंती के ऊपर मैं उनको, उनकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द भगवान पूरी करे, क्योंकि मार्कंडेय जो हमारे महामुनि हैं, जो उन्होंने शिव भक्त थे, उन्होंने अपने वंश में करके अपने समाज को आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक पौधा लगाया, ये समाज इतना बड़ा हो गया है, तो एक पौधे के ऊपर हमारा नितेश शेठ भी रहेगा। ये मैं मार्कंडेय जयंती के ऊपर मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ।